हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो सबसे पहले तो जिनका पटवारी में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और अगर किसी वजह से किसी का नहीं हो पाया है तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक और भर्ती का एग्जाम आ गया है। आपको पता होगा राजस्थान हाईकोर्ट LDC की एक भर्ती आई थी और उसके एग्जाम की डेट अभी फिक्स हुई है 13 मार्च को। तो 13 मार्च को इसका पेपर होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये भर्ती थोड़ी पुरानी है तो बहुत सारे बच्चे भूल भी गए हैं कि उन्होंने फॉर्म फिल किया था कि नहीं किया था, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था, कैसा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो पूरी डिटेल इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको पहले याद दिला दूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये राजस्थान हाईकोर्ट की LDC की जो भर्ती आई थी ये आई थी मार्च में, ठीक है, मार्च 2020 में पहली बार इसके फॉर्म जो है वो ओपन हुए थे और लगभग 1760 पदों पर ये भर्ती आई थी। लेकिन मार्च 2020 में इसके ऑनलाइन आवेदन पोस्टपोन कर दिए गए थे, यानी डेट है वो कैंसिल कर दी गई थी, और दोबारा इसकी डेट जो ओपन हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2020 में। तो आपने अक्टूबर 2020 में इसका फॉर्म फिल किया होगा। अभी फाइनली 2021 पूरा चला गया है और 2022 में भी आज जो है इसकी एग्जाम की डेट फिक्स हुई है कि 13 मार्च को, क्योंकि आज 25 जनवरी हो गई है और अभी हमारे पास लगभग मान के चलें तो 45 डेज हैं। और इन 45 दिनों में क्या हम इतनी तैयारी कर सकते हैं कि LDC का पेपर जो है, हाई कोर्ट का पेपर जो है, वो कवर कर दें या फिर पास कर दें? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ी धुआंधार तरीके से हम तैयारी करेंगे। कल से हम मॉडल पेपर भी शुरू कर देंगे, कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अगर आप लोगों को याद है, देखो एग्जाम के दो पार्ट हैं, एक पहला पेपर होगा, उसके बाद में दूसरा होगा टाइपिंग वाला सिस्टम। पेपर में क्या होगा, पेपर में टोटल आपको 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन, तीन पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा हिंदी, जिसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो टोटल 100 नंबर का। दूसरा पार्ट, एक ही पेपर के पार्ट बता रहा हूं मैं, दूसरा इंग्लिश होगी, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का तो 100 नंबर का होगा, और 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का तो 100 नंबर का। अब टोटल पेपर हो गया 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी 300 नंबर का पेपर होने वाला है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या है, पासिंग मार्किंग जरूरी है। अगर आप SC ST या PH कैटेगरी से हैं तो कम आपको 40% लाना जरूरी है, यानी 120 नंबर, और बाकी कैटेगरी से हैं तो कम आपके पासिंग मार्किंग 45% है, यानी कम से कम 135 नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम पासिंग मार्किंग है आपकी। टाइम कितना मिलेगा इस पेपर में, आपको पूरे 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी हिंदी इंग्लिश और GK तीनों पार्ट में, तीनों पार्ट जो है प्रत्येक में 50-50 MCQs रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 150 क्वेश्चन 300 नंबर। अब एक और चीज की क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन OMR शीट पर पेपर होगा, कितने चरणों में होगा, यानी जैसे पारी होती है तो एक से ज्यादा हो सकती है, ये लिखा हुआ है पहले से कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो हो सकता है पेपर एक चरण में हो सकता है 2 चरणों में, 3 चरणों में, जैसे पटवारी का 4 चरणों में हुआ था, ग्राम सेवक का 4 चरणों में हुआ था, तो उसी प्रकार से रहेगा। सिलेबस बहुत ईजी है, तनाव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हिंदी का देखिए, हिंदी में टोटल आपके पास 13 टॉपिक है, ठीक है, 13 टॉपिक में से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का पेपर है ये। क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएंगे संधि, संधि के बाद समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, और शब्द युग्म है, जिन्होंने ये वही शब्द युग्म है जिन्होंने पटवारी में ग्राम सेवक में तबाही मचाई थी। 2 है शब्द शुद्धि, एक तो शब्द शुद्धि वर्ड और एक शब्द वाला वाक्य दे दिया कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध है, वाच्य है, और वाक्यांश में एक सार्थक शब्द यानी 1 वर्ड और मुहावरे और लोकोक्तियां, ये टोटल 13 बिल्कुल ईजी है। अगर आपने पटवारी की तैयारी की है, ग्राम सेवक की तैयारी की है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है उन सब्जेक्ट से बाहर रहा हो, तो पूरा आपका पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करने की जरूरत है। 10 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कर दोगे और टेस्ट भी हम कर लेंगे। हिंदी के अलावा इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का भी सेम ही है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, ऑलमोस्ट ग्राम सेवक जो पढ़ के आए थे सारी चीजें वही है। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है आपका, दूसरा है टेंस बताना है आपको कि क्या टेंस आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, इस तरह से। तीसरा है एक्टिव पैसिव वॉइस, और चौथा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 5वां आपको वाक्य चेंज करना है,
जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में, इंट्रोगेटिव में जो वाक्य चेंज करना होता है। और छठा है आपका आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन आपको जो यूज करने हैं कि कौन सा आर्टिकल आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। सातवां है करेक्ट करना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एग्रीमेंट है, डिग्रीज है, इनको करेक्ट करना है कौन सा गलत है सही है। आठवां साइन और एंटू है। नौवां आपका वन वर्ड है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग वर्ड वाला भी है, एडियम्स भी आपकी आएगी। तो इसमें टोटल 12 टॉपिक हैं और 12 टॉपिक में से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा पार्ट इसी का है, जीके का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, कंफ्यूजन वाला इसलिए क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से टॉपिक के नाम नहीं दिए हुए हैं। तीन चीजें हैं, एक तो आपका करंट अफेयर, दूसरा राजस्थान की जियोग्राफी, तीसरा राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर। यानी राजस्थान का जीके आपको पूरा पढ़ना है, पूरा राजस्थान का आर्ट कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की जियोग्राफी है और राजस्थान का करंट अफेयर, सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है आपको, ठीक है। इनमें से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल आपका ये भी 100 नंबर का। तो तीन पार्ट कितने हो गए, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का, 2 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। अब मेन चीज ये है कि जब पेपर हो जाएगा तो मेरिट के आधार पर जो है आपकी मेरिट निकलेगी, और बाद में दूसरा इसका जो फेस रहेगा वो रहेगा टाइपिंग का। आपको टाइपिंग करनी है, टाइपिंग में 2 पार्ट है। देखो, एक तो है आपकी स्पीड टेस्ट होगा, इसमें आपको हिंदी में 5 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश में भी 5 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ये 25-25 नंबर का, यानी दोनों ये 50 नंबर के रहेंगे। यहां पर भी पासिंग मार्किंग है, यानी एससी एसटी पीएच के लिए 20 नंबर यानी 40% और बाकी के लिए 22.5 नंबर। और दूसरा होगा एफिशिएंसी टेस्ट, ये होगा आपका 10 मिनट का टाइम और 50 नंबर का, इसमें भी आपको पासिंग मार्किंग है दोनों की। तो टोटल ये जो है ये टेस्ट है टोटल 100 नंबर का, ठीक है। और आपको एससी एसटी से हैं तो कम से कम 40 नंबर आना जरूरी है, बाकी कैटेगरी से हैं तो दोनों को मिलाकर 45 यानी 22.5 प्लस 22.5 45 नंबर आना जरूरी है। और इस टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपकी निकलेगी फाइनल मेरिट कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, राइट। ये था एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस। और अगर आप लोग सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, 45 कल ही से हमारा टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार हो भी कभी, कल ही हमारा पहला टेस्ट इसका आएगा। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा यानी डेली 45 डेज कम से कम हम मान के चलते हैं, तो मान के चले कि 45 दिनों में कम से कम 45 टेस्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तैयारी की जा सकती है, मुश्किल नहीं है। देखो, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन इस पेपर में आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही है तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दें कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि हिंदी थोड़ा सा इजी होती है, एलडीसी की जो हिंदी आती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आती, ठीक है। जिसकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी है वो हिंदी नॉर्मल भी अगर उसको हिंदी आ रही है तो भी वो कर देगा, ठीक है। शब्दशुद्धि वाली चीज़ें हैं, प्रत्यय उपसर्ग वाली चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें मुहावरे लोकोक्ति वाली कर देता है, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप छोड़ नहीं सकते उसे। अगर सिलेक्शन लेना है हिंदी इंग्लिश की थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल जीके पर और हिंदी पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश का भी 33% जो है वो इंग्लिश का पार्ट भी है, यानी 100 नंबर का वो भी है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हाँ, आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रही है तो बेसिक चीज़ें, बेसिक फॉर्मूले कॉन्सेप्ट जो है वो तो कवर कर ही लो कम से कम। भर्ती बहुत बढ़िया है, पोस्टें भी बहुत अच्छी है, सैलरी भी बहुत बढ़िया है और एग्जाम की डेट भी फिक्स हो गई है, कितनी, 13 मार्च से। रट लेना ये, लिख दो, क्योंकि भी कोई एग्जाम नहीं है। पटवारी का रिजल्ट आ गया है, वीडियो का एग्जाम जो है ग्राम सेवक का वो आपका मई में होने वाला है। राजस्थान पुलिस की भी डेट हुई नहीं है, उसका भी चांसेस है कि अप्रैल तक जो है वो पेपर होगा। तो इस बीच में तो कोई दूसरा पेपर ही नहीं है कि आपका ध्यान भटके, ठीक है। तो पूरा का पूरा ध्यान अभी एलडीसी पे देना है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इतने लंबे टाइम के बाद में फाइनली इसकी एग्जाम की डेट फिक्स हुई है और ये भी हाथ से निकल गया ना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप सारे के सारे समझदार हो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज हम कंटिन्यू करें और इसकी टेस्ट सीरीज करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पुरानी टेस्ट बहुत सारे मैंने एलडीसी के लास्ट वाली भर्ती हुई थी उसमें भी एलडीसी के मैंने टेस्ट करवाए थे, सेम सिलेबस के हैं तो कुछ बदला नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं। उन सब की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, ठीक है। प्रहलाद सारण सर अगर आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। पहले एलडीसी का पेपर हुआ था उसकी, और जो पहले वाले एलडीसी के पुराने पेपर हैं वो भी आज मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। ये इसलिए मैंने सिलेबस वाला बनाया था क्योंकि कमेंट आए थे बहुत सारे बच्चों के कि सिलेबस तो याद ही नहीं सर, क्या सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए। हालांकि एक वीडियो और बनाऊंगा मैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन कल से सभी रेडी रहना। सुबह सुबह कल जो पहला वीडियो आपको मिलेगा वो LDC का ही टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है? तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।